देश में महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज हो चली है। देश के तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं केंद्र कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल आना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2029 के बाद आए, पर कांग्रेस की मांग है कि 2024 में बिल आना चाहिए। महिला आरक्षण को बिल को अमित शाह ने विपक्ष के लिए राजनीतिक उपकरण बताया है। इस पर दीपक बैजू ने कहा कि अमित शाह के बयान हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस पहले ही राज्यसभा में इस बिल को ला चुकी है। की बयान हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के बयान हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहा है और हमारी सरकार इसको राज्यसभा में बिल भी इसको पहले लाया था और इसके लिए शुरू से कहते हैं। अभी CWC में बैठक भी हुई थी हैदराबाद में, वहाँ पे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया था कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए।